इत्मीनान तो हमें भी था भाई साहब, लेकिन कसम से आपकी बेटी ने तो कान पकड़वा दिए हमें। अंजलि कहने दो। अंजलि मैं रेहान से तन्हाई में बात करना चाहता हूँ। सौ बिस्मिल्लाह भाई साहब, लेकिन अगर बात निदा की है तो आप इनसे क्यों कर रहे हैं, मुझसे कीजिए। पूरा दिन तो मैं भुगतती हूँ ना उसको। वैसे शादी के लिए हम भी राजी नहीं थे, लेकिन ये जो आपके भाई हैं ना, इनको हर उस मुसीबत को गले लगाना है जो आपके घर में मौजूद है। बस कर दो दिलीप, कर रहा हूं ना मैं बात। आप थोड़ी देर के लिए बस कर दे, आपके भाई हैं, आए हैं अपनी बेटी की तकलीफ लेकर, तो मैं इनसे आपकी तकलीफ शेयर ना करूं। दिलीप बोलने दो, बोलने दो दिलीप। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपनी बेटी को समझाएं कि वो आखिर मेरी शिकायत आपसे कर कैसे सकती है। जरा सोचिए, जो लड़की अपनी माँ बराबर सास की शिकायत कर सकती है वो कितनी खतरनाक होगी। और मैंने कौन सा जुल्म का पहाड़ उसके ऊपर तोड़ दिया है। आधे से ज्यादा दिन तो वो सोकर गुजारती है, ना उसको घर के कामों का होश है, ना अपने मियाँ के आने जाने का, और जब मूड होता है बिना बताए आपके घर चली जाती है। अब तो सुभान अल्लाह कॉलेज भी जा रही है और फिर भी शिकायत करी आपकी बच्ची। दिलीप बस कर दो, भाजन की तबीयत खराब हो सकती है। तो ये तो हमसे सवाल करने से पहले इनको सोचना चाहिए था ना। हमारी जिंदगी हमेशा इनकी वजह से बर्बाद होती है, हम कब तक बलि के बकरे बने रहेंगे। दिलीप चुप कर, चुप। मैं चलता हूँ, फिर किसी दिन बात करेंगे भाईजान। अच्छा भाई साहब, वो बस एक गुजारिश थी, अगली बार हमसे बात करने से पहले आप अपनी बेटी से बात कर ले, शायद वो समझ जाए आपकी बात। भाईजान, भाईजान, क्या करती हो? सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ, ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर, ARY ZAP। अभी डाउनलोड करें फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arysap.com।